नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फंड एंड बाय अनुज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के सेशन में हम बात करने वाले हैं, सारे सवाल मैंने साइड में लिख दिए हैं, पता लग गया होगा कोरोना से रिलेटेड हम सारी बातें करने वाले हैं। बहुत सारे सवाल हैं आपके, कोरोना रिपोर्ट कहाँ से बनवानी है, कब बनवानी है, ट्रैवलिंग के दौरान क्या करेंगे, पॉजिटिव आ गए तो क्या करें, कहाँ से बनवाएं, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस सिंगल वीडियो। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू आर न्यू देन प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। बिल्कुल रियल, ऑथेंटिक और सिंपल शब्दों में आपको यहाँ पर बातें समझाई जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज आरटीपीसीआर? तो आरटीपीसीआर से जाने से पहले मैं आपको बता दूं आपसे, जब आप दिल्ली पुलिस के जो एडमिट कार्ड आए हैं उनके अंदर आपको कहा गया है कि आपको अपनी कोरोना की रिपोर्ट लेके आनी है, एंड द कोरोना रिपोर्ट है वो आपकी 72 घंटे मीन्स 3 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो, आप सभी को ये तो मस्त है कि आपको अपनी कोरोना रिपोर्ट तो लेकर जानी है। अब कोरोना की भी दो तरह की टेस्टिंग होती है, वन इज द रैपिड एंड वन इज द आरटीपीसीआर। सो रैपिड और आरटीपीसीआर के अंदर क्या डिफरेंस है? रैपिड एक आपके पास होता है कि जिसमें आपको रिजल्ट्स हैं वो तुरंत दे दिए जाते हैं, ठीक है, एक स्लिप फिल करवाई जाती है, आपका नाम गाम पता आधार कार्ड भरवाया जाता है और तुरंत ही उसमें आपसे कहा जाता है भाई आपका बैठो आप, और आधे घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। तो वो होता है आपका रैपिड वाला, ठीक है, वो तुरंत के लिए आपके लिए है। लेकिन एक होता है डीपली, आपके जो थ्रोट से लेते हैं आपके सैंपल्स, आपके नोज से लेते हैं, और वो रिपोर्ट आने में आपके 2 दिन भी लग जाते हैं, 2.5 दिन भी लग जाते हैं। वो होता है आपका आरटीपीसीआर टेस्ट, ठीक है, जो आपकी पुख्ता होती है कि भैया आपके, कई बार रैपिड के अंदर नहीं बताता कि आप पॉजिटिव हैं, बट आरटीपीसीआर के अंदर अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको पॉजिटिव वो ऑटोमेटिक शो कर देगा। दैट्स व्हाई दिल्ली पुलिस ने मांगा है आरटीपीसीआर। तो ठीक है, समझ में आपको आ गया, आपको कौन सी लेके जानी है? आरटीपीसीआर वाली, मतलब जो 2 दिन में रिपोर्ट आती है, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा, वे टू चेक, कहां पर हम चेक करवा सकते हैं? तो देखिए, आप इनके लिए चेक करवाने के लिए आप किसी भी हॉस्पिटल में, लैब में जाकर इसे चेक करवा सकते हैं। वहां पर आपका सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और सैंपल को कलेक्ट करने के बाद आपको वो रिपोर्ट दे देगा 2 दिन में या 2.5 दिन में कि भैया आप हो, पॉजिटिव हो या आप नेगेटिव हो, और उसके बाद वो रिपोर्ट लेके आपको जानी है कहां पर? दिल्ली पुलिस के फिजिकल में। अगला सवाल, ठीक है, वेन टू चेक, आपको कब चेक करवाना है? तो ये जब भी आपको फिजिकल हो उससे 3 दिन पहले, ठीक है, अब आपको 3 दिन पहले उससे, जैसे मान लो मेरा फिजिकल आज है तो 1 दिन ये, 1 दिन इससे पीछे वाला, ठीक है, यस्टरडे एंड डे आफ्टर बिफोर यस्टरडे, इन दोनों दिनों में आपके पास 3 दिन का गैप होना चाहिए जब आपके पास ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला है आपके पास ट्रैवलिंग, ठीक है, मोस्ट इश्यू आपके पास उठ के आ रहा है भैया ट्रैवलिंग के लिए कि अब हमें ट्रैवलिंग करनी है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम बिहार एंड आई एम फ्रॉम हिमाचल, और अगर मुझे ट्रैवलिंग करनी है तो आज मेरा फिजिकल है 28 तारीख का, ठीक है, 28 का मेरा फिजिकल है, 2 दिन पहले मुझे निकलना पड़ेगा, ठीक है, 2 दिन पहले आप निकलोगे, मान लो कि आप यहां से निकले हो, ठीक है, 2 दिन आपके ट्रैवलिंग में लग गए, 3रे दिन 1 दिन पहले आप पहुंच कर रेस्ट कर लिया और आपके पास यहां पर 28 तारीख को आपका फिजिकल है, मीन्स आपने यहां पर इसे चेक करवाया अपने को, ठीक है, यहां पर आपकी रिपोर्ट आ गई। तो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे और 12 घंटे बाद आपका यहां पर किया गया, मीन्स 84 घंटे आपके, ठीक है, 84 घंटे में आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया गया। अब यहां पर तो 84 घंटे हो गए, टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि 72 घंटे से कम आपको चाहिए नहीं होगी रिपोर्ट, ठीक है। सो अब ऐसे में क्या करेंगे? तो देखिए, जब भी इस तरह का केस आपके पास होगा कि आपको 72 घंटे की रिपोर्ट मांगी गई है, तो वो 72 घंटे की रिपोर्ट आप बिल्कुल, आप जिस दिन आपको ट्रैवलिंग करना है उससे पहले आप अपना लेके चलिए। अब 72 से आपके फिजिकल तक अगर 84 हो जाते हैं तो भी वो रिपोर्ट वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आपको ये कहे, अब मैं हिमाचल से हूं, मैं 1 दिन पहले थोड़ी ना चलूंगा अनजान शहर में, कल को मैं मान लो उत्तराखंड से हूं, मैं नागालैंड से हूं, मैं मणिपुर से हूं, मैं महाराष्ट्र से हूं, गुजरात से हूं, मैं साउथ से हूं, तो क्या मैं दिन के दिन आऊंगा रिपोर्ट को जेब में डालकर, क्या यहां पर रहना, अरेंजमेंट करना, देन कैसे होगा इतना सब कुछ? तो 2 दिन पहले तो हर आदमी आएगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपकी, मतलब कहने की ये है कि आपके पास 72 घंटे की तो होनी चाहिए,
बेहतर घंटे से कुछ घंटे अगर आपके ऊपर हो जाते हैं, बेहतर घंटे से अगर आपके कुछ घंटे ऊपर का मतलब है 84 तक 80 तक अगर आपके घंटे हो जाते हैं, मतलब कि टिल 12 घंटे प्लस 12 घंटे भी आपके वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। वो रिपोर्ट आपकी झूठी नहीं हो सकती, गलत उसको साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबको पता है ट्रैवलिंग में टाइम तो लगेगा। तो आपके 72 प्लस 12 घंटे का आप मार्जिन ले लीजिए। आप उससे पहले ही 5 बजे तो है ही आपका, एक दिन भी आप मानोगे तो ठीक है, तो आप कुछ भी मान के चलो आराम से। आपका मैं बताता हूं आपको, जो आपका टाइम है 72 घंटे, उसके बाद भी अगर आप रिपोर्ट लेके जाओगे तो वो वैलिड होगी। घबराने की जरूरत आपको यहां पर नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल का आपको जवाब मिल गया। तो अगला सवाल ले लेते हैं, विलेज चौपाल। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमारे गांव में बनाने के लिए आते हैं, हमारी चौपाल में बनाने के लिए आते हैं, और वहां पर वो कहते हैं कि भाई हम सरकार की तरफ से आए सैंपल कलेक्ट करेंगे, क्या वो वैलिड होगा? तो देखिए, आपको इससे कोई मैटर नहीं करता कि वो चौपाल में बना रहा है, साइकिल पे आ रहा है, झोपड़ी में आ रहा है, महल में बैठा है, या फिर वो कहीं बहुत बड़ी इमारत में बैठा है। सरकार का आदमी है, वो चाहे सड़क पे खड़ा खड़ा भी सैंपल ले लेगा तब भी आपका वैलिड होगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। विलेज में बनाए, चौपाल में बनाए, पंचायत में बनाए, नगर पालिका में बनाए, कहीं भी बनाए, आपकी वैलिड होगी गवर्नमेंट अगर बंदा आपका बना रहा है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा है आपका कि अगर आप पॉजिटिव निकल आते हैं, ठीक है, अगर आप कोरोना पॉजिटिव निकला है, भाई आपने टेस्टिंग करवा ली, कोरोना पॉजिटिव निकला है, अब क्या करोगे? आपकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ गई, ऐसे में आपको कॉन्टेक्ट करना है डीसीपी रिक्रूटमेंट दिल्ली को, ठीक है। डीसीपी रिक्रूटमेंट दिल्ली को आप कॉन्टेक्ट करेंगे, अपनी मेडिकल उन्हें दिखाएंगे, आप एक एप्लीकेशन देंगे कि सर आई एम कोरोना पॉजिटिव फ्रॉम, मैंने टेस्टिंग करवाई फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड, एंड डॉक्टर एडवाइज मी टू स्टे आइसोलेट कर दिया है मुझे, और एडवाइज किया कि आप आइसोलेशन में रहेंगे फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। सो आप मेरा फिजिकल के डेट बिटवीन दिस पीरियड है, जिस पीरियड के अंदर मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द फिजिकल, सो प्लीज आप मेरी जो डेट है उसे चेंज कीजिए, ठीक है। ये एप्लीकेशन लिखने के बाद उसके साथ अपनी कोरोना रिपोर्ट को अटैच करके, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को अटैच करने के बाद आप उसे डीसीपी रिक्रूटमेंट के पास भेजेंगे। रिक्रूटमेंट वाले आपको कुछ आप लिखित में देंगे, आपको कुछ लेटर वगैरह देंगे, वो सब लेके फिर आपको वहां पे कुछ किसी के हाथ भिजवा दीजिए, बाकी तो ये डिपार्टमेंटल ही है, वो ऑटोमेटिक आपको उनके पास लिस्ट पहुंच जाती है। फिर भी आप एक बंदे को भेज के उस दिन आप वो दिखा भी सकते हो कि देखिए ये मेरा डीसीपी रिक्रूटमेंट ने लिख दिया है, मेरी डेट चेंज हो गई है। आप अगर आपके पास लिस्ट नहीं आई तो आप इसमें प्लीज मार्क कर लीजिए और उसकी एक कॉपी आप भेज दीजिए फिजिकल वाले ग्राउंड वाले दिन, ठीक है। सो ये आपको करना है अगर आप पॉजिटिव निकले। अगला है आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कहां की रिपोर्ट चलेगी। सो इस तरह का कहीं भी आपको मेंशन नहीं किया है, ना तो आपकी इसके अंदर एडमिट कार्ड में कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही चाहिए, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला ही आपको कहेगा कि भैया आपको क्या चाहिए, कि आपको पॉजिटिव वाली चाहिए सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, सो या प्राइवेट की चाहिए, ठीक है। बट एज अगर हम लॉन्ग साइट में देखते हैं तो गवर्नमेंट की आपकी जॉब है, सो गवर्नमेंट से आप करवा लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, और गवर्नमेंट से आप करवाएंगे तो उसमें आपको रिजेक्ट करने के कोई भी चांस नहीं रहेंगे, ठीक है। अब अगली बात, अगला सवाल ये आता है, एक सवाल इसमें नोट नहीं किया लेकिन अगला सवाल मैं बताता हूं कि सर हमें ट्रैवलिंग करनी है, 3 दिन पहले वो रिपोर्ट का सैंपल लेते हैं, 3 दिन में रिपोर्ट आती है, तो क्या वो सैंपल रेट को मानेंगे या जिस दिन रिपोर्ट आएगी? तो देखिए सारे देखेंगे, यहां पर आपने मान लो 25 तारीख को दिया सैंपल, ठीक है, 27 तारीख को आई रिपोर्ट आपकी, ठीक है, 25 को आपने सैंपल दिया, 25 को सैंपल देने के बाद आपके 27 तारीख को रिपोर्ट आई, तो जो 72 घंटे आपके बनेंगे वो यहां से स्टार्ट होंगे आपके, ठीक है। जो 72 घंटे स्टार्ट होंगे वो यहां से नहीं, 27 तारीख से आपके 72 घंटे स्टार्ट होंगे, ठीक है। सो आपकी कैलकुलेशन कहां से होगी? 27 से। सो आपको अगर ट्रेवलिंग में जाना है तो आपने अगर रिजर्वेशन करवाई 11 तारीख की, 3 दिन वो रिपोर्ट आने में ले लेती है, तो अपना आप इससे 3 दिन पहले चले जाओ, ठीक है, 8 तारीख को अपना सैंपल दे दो, 8 तारीख को दोगे 11 तारीख तक आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, 9 तारीख को आ जाएगी, और आपके पास 11 को भी नहीं आई तो मोबाइल पे ही तो आती है आपके पास, वो फिजिकली तो लेने जाना नहीं है आपको, आप अपना सैंपल देके निकल जाओ, ठीक है। 3 दिन में आपके पास अपने आप आ जाएगी, 2 दिन पहले निकल रहे तो मोबाइल पे आएगी, वो वहां शो कर देना, उसका प्रिंट आउट ले लेना, पीडीएफ आती है जो आपके पास, ठीक है, बस इतना सा काम करना है। और जिस दिन से आपकी रिपोर्ट आपके मोबाइल पे आएगी
उसी दिन से आपकी वो मानी जाएगी, ठीक है। सैंपल वाले दिन से नहीं मानी जाएगी। सैंपल तो आपने कब का दिया, सैंपल से तो आपने मान लो 4 दिन पहले सैंपल लिया, वो तो आपकी 72 घंटे एक्सपायर हो जाएगी। सो जिस दिन रिपोर्ट मोबाइल में आएगी उस दिन आपको वो मैसेज का टाइम डेट देखेंगे, भाई किस दिन इनकी रिपोर्ट भेजी है, वहां से 72 घंटे आपको कैलकुलेट करने, ठीक है। तो यही आपके सारे सवाल थे, ट्रैवलिंग कीजिए, आराम से कीजिए, बता दिया 84 वाला आपको, ठीक है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा सवाल रहा जो कोरोना से रिलेटेड है, हर एक सवाल का मैंने आपको जवाब दे दिया, कोई भी आपको डाउट रहा ही नहीं है। और मैं जो पता है कोई रह ही नहीं सकता, फिर भी कोई उठ के आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं उसका जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो सब कुछ आपको क्लियर कर दिया, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना तो भूलना ही मत। ये सारी चीजें, 4 चीजें तो आप बिल्कुल लिख लो कि अगर आए हो चैनल पे तो कर ही जाना है। और आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।